ये तो मर भी गया। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि सेंटर पॉइंट पे मारने से साला आदमी मर जाता है। तो यारों, स्वागत है आप सबका। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड के फनी एक्शन सीन्स के बारे में। इन एक्शन सीन्स को देखने के बाद लॉजिक नाम का शब्द भी एक बार को रो देता कि मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूँ। अबे कौन से ब्रांड के निठल्ले पक्षी है साले, जो कि अभी तक भी इन आदमियों को खा नहीं पाए। वैसे तो ये खाने के लिए आए थे इन आदमियों को, लेकिन साला इनके अभी तक टच भी नहीं कर पाए। वैसे तो इन पक्षियों को खूंखार दिखाया गया है इस मूवी में, लेकिन साला कहीं से भी खूंखार नहीं लगते ये पक्षी। और भाई 3 मिनट से टिचिक टिचिक करके उड़ रहे, एक के पंख देखो हिल भी नहीं रहे, फिर भी हमें उड़ रहा है। साला कौन सा सस्ता इफेक्ट यूज करके मूवी बना दियो। और भाई इन बेवकूफ आदमियों से अभी तक एक भी पक्षी नहीं मरा, और मरेगा भी कैसे? इनके हाथ में देखो, जिसके अपन कपड़े टांगते हैं ना साला, उससे मार रहे हैं ये। नहीं नहीं नहीं, मुझे कतई अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, यह सच नहीं हो सकता। एक बार फिर से देखना पड़ेगा। अबे मछलियां उड़ती भी है, ये तो मुझे आज पता चला है। अबे मुझे तो बताया गया था कि मछलियां जल की रानी होती है और बस पानी में ही रहती है। ये साला आकाश में क्या करने लग गई? आकाश की रानी कब से बन गई? ये कौन सी गांडेश्वर मछली पैदा हो गई यार? मेरे को समझ में नहीं आया लॉजिक। इस मूवी में आसमान में पक्षी नहीं उड़ते, मछलियां उड़ती है भाई। और सारी मूवी में साले सारी मछलियां आदमी को चबाते हुई दिखाई गई है। इस मूवी का स्क्रिप्ट राइटर पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। इतने सस्ते इफेक्ट यूज करने की क्या जरूरत थी, जिसमें साला आदमी बड़ा लग रहा है, हेलीकॉप्टर छोटा लग रहा है, और हेलीकॉप्टर के साला ऐसे ही लटक लटक के आ रहे हो भाई। कहीं हेलीकॉप्टर की इज्जत विज्जत कर लो यार थोड़ी। और इससे अच्छे VFX भाई देखने को मिल जाते हैं GTA गेम में, और साला यहाँ VFX की माँ की पहन कर रखी है कतई। यह आदमी था या फुलचड़ी, जलकर राख हो गया कतई। अरे नकली एक्टिंग करके मरमुरा जाता, ऐसे फुलचड़ी की तरह राख होने की क्या जरूरत थी मेरे भाई। अबे इतना नटर जानवर एलियन या जो भी ये बवासीर है कहाँ से आ गया? साला मरने का नाम ही नहीं ले रहा। और भाई इसके VFX कुछ अलग ही लेवल के, इनके बारे में पहले ही मैं बोल चुका हूँ। तो भाई वीडियो को यही खत्म करते हैं, और वीडियो पसंद आया ना तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबाना। और यार आप घंटी वाले बटन को नहीं दबाते क्या दुश्मनी है भाई, दबा दिया करो यार। और कमेंट करके बताना कि बेस्ट पार्ट कौन सा लगा आपको। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।